नमामि धन्वन्तरिवादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपंकजं लोके जरार भय मृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीना कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साज मन मोहन वस्त्रों में आदि देव विराजे कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मन मोहन वस्त्रों में आदि देव विराजे शंख चक्र जलौका घट अमृत कालिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे जय देव जय भगवन धन्वंतरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना जय देव जय भगवन धन्वंतरि सुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें दे शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो दक्ष रहे सत्य कहे निर्मल उदार संयत हो आशीर्वच हमको श्रीकांत संग देना जय देव जय भगवन धन्वंतरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना जय देव जय भगवन धन्वंतरि
प्रणाम सभी का स्वागत है। एबीसी फाउंडेशन में सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हरिओम बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा नंबर है 9927537780। पिछले शुक्रवार को हम अंश अंश कल्पना जो दूसरों की देख रहे थे, शायद आप लोग भूल गए होंगे, मैं फिर एक बार रिपीट करा देता हूँ। हम यहाँ तक आ गए थे कि जो दोषों के गुण होते हैं वो किसी भी आहार विहार के खाने से, किसी एक दोष के अगर हम मान के चले कि वायु अगर दोष है, ये हम सिर्फ मान रहे हैं और उस मान उसको समझ के हम समझ लेंगे, तो अगर हम रात्रि जागरण कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि रात्रि जागरण करने से वायु फिर कुपित हो जाती है। ये समुचित चिकित्सा का वो पार्ट है जो हम बड़ी सरल भाषा में उसको कह के और किसी भी रोगी को चिकित्सा दे देते हैं। और अक्सर हम इतना ही समझ के ही चिकित्सा देते हैं, भाई वो रात्रि जागरण किया है, भागदौड़ की है। अगर कोई आदित्य जैसा है रोग या साइटिका जैसा कोई रोग है, या किसी को नींद नहीं आ रही है, या किसी के लिए कोई वातिक रोग है जो वायु से संबंध रखता है, जो वायु को प्रकोपित होने से हुआ है, जैसे वातक ज्वर इस समय चल रहा है, तो हम ये जान लेते हैं सिर्फ केवल वायु प्रकोपित हुई है। सिर्फ केवल कहने का मतलब मेरा कि कोई दूसरा दोष भी प्रकोपित हो सकता है, लेकिन वो लक्षण वायु के दिखा रहा है कि वायु प्रकोपित हुई है, उसकी वजह से ये रोग जो हुआ है। एक हम समुचित जो हमारा वायु है उसको हमने डिनोट करके चिकित्सा की। तो रात्रि जागरण से वायु के सभी गुण नहीं बढ़े, कोई एक दो गुण बढ़ गए होंगे, उससे ये रोग हुआ है। जब इसकी हम अंश का मतलब कितने अंश में है, आखिर उसकी डिग्री क्या है, तो वो जो डिग्री और अंश इन दोनों में आप जो है डिफरेंस करें, क्योंकि डिग्री का मतलब कुछ अलग हो जाता है, फिर अंश जब निकालेंगे तो अंश का मतलब जैसे कहते हैं हमारे बेटे में या हमारी बेटी में या किसी में भी इसका थोड़ा अंश आया है, दिख रहा है, जैसे पिता का अंश थोड़ा अगर पुत्र में दिखना शुरू हो जाता है तो दोनों के ही होते हैं, तो वो देखते हैं कि देखो हमारे बेटे में जो है इसके पिता के थोड़ा सा अंश आया है, थोड़े से गुण इसके आए हैं, इसके बराबर सभी गुण नहीं हो सकते। तो वायु के सभी वायु किसी भी दोष के, किसी भी आहार विहार से अब जितने उसके गुण हैं, उनके कितने उसमें से कितने गुणों की इसकी वृद्धि हुई है, ऐसा कभी ऐसा नहीं हो सकता, या अगर होगा तो वो स्पेसिफिक डिजीज मानी जाती है कि इसमें वायु के सभी गुण होते हैं। वो मैं बताऊंगा जैसे किस किस चीजों से वायु के सभी गुण बढ़ते हैं, या कफ के सभी गुण बढ़ते हैं, या पित्त के सभी गुण बढ़ते हैं, वो भी इच्छा बढ़ते हैं। हमारे पास हमारे यहाँ जो मेडिसिन रूप में है, खाद्य पदार्थ रूप में है, या हमारे व्यायाम कर्म रूप में है, उसमें भी वायु के पित्त के या कफ के सभी गुण एक साथ बढ़ जाते हैं। अमूमन होता क्या है कि चिकित्सा में जब दुंदज या संधिपात, दुंदज का मतलब दो दोषों से उत्पन्न रोग, या संधिपात तीनों दोषों से उत्पन्न रोग जब ये होते हैं, तो इसमें अमूमन एक दोष के दो या तीन, किसी दो तीन तीन चार इस तरह से गुण बड़े होते हैं, और ये आपस में दुंदज या दो दोष, या तो ये संसर्ग भाग में आ जाते हैं, संसर्ग भाग का मतलब हट सकते हैं, अगर हमने चिकित्सा किए तो हट जाते हैं,
और सन्निग्रस्त भाव में आ गए तो तीन दोस्त, तो तीनों दोस्तों का जो सन्निग्रस्त होगा वो भी हट जाते हैं, लेकिन हम वहां ये कहेंगे कि यहाँ पर तीन दोष हैं जो सन्निपातज में है और दुंदज दोषों में दो दोष हैं जो संसर्ग अवस्था में है। इन सभी कुछ स्थिति को देखते हुए जब आचार्यों ने दोषों के 62 भेदों का लक्षण बताया, 62 भेद बताए, मैं एक एक चीज बोलता हूं उसको आप नोट करते रहो क्योंकि एक चीज दूसरे से कनेक्ट होती है, फिजियोलॉजी से लेके और ड्रग की जो अपनी एटिव फिजियोलॉजी है उससे और संबंधित जो हमारी रोग है उससे, इन सबसे वो चीज जुड़ी होती है। उसको आपने अगर मिस एक बार कर दिया तो फिर पकड़ नहीं पाएंगे उसे कि कहां पर गलती हुई। तो जब आचार्यों ने 62 भेद बताए और उन 62 भेदों में जब उन्होंने डिनोट किया कि यहाँ पर इस तरह से दोषों का संसर्ग होता है, उसी के आधार पर उन्होंने 62 रस के, जैसे कि 2 रस, 3 रस, 4 रस, 5 रस, 5-5 के इतने फिर इतने, इस तरह से 62 रसों का जो उन्होंने वर्णन किया वो अगर उसका कनेक्शन देखा जाए तो उन्हीं दोषों से, और वो इनडायरेक्ट वे में इसको समझा के चले आए कि हमने यहाँ पर दोषों के गुणों का जो 62 भेद के अनुसार जो हमने आपको संसर्ग या सन्निपातज बताया है, आपस में कनेक्शन बताया है, उसी प्रकार से चिकित्सा सिद्धांत में भी इनमें कौन कौन से जो रस इसकी संप्राप्ति भंग करने में, उनको ठीक करने में उनकी सीरीज क्या होगी वो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो उन्होंने वो चीज आगे बताइए और उन दोनों को अगर जोड़ दें तो फिर एक चिकित्सा का हमारा पूरा पार्ट बन जाता है। तब उन्होंने कहा कि जो मधुकोश में सर्वांग सुंदरा में एक ही दोष में अनेक व्यक्तियों में रोग उत्पन्न अगर हुआ है तो भी वृद्धि को प्राप्त जो गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यहां तक कह दिया कि अगर एक एक रोग है और दो व्यक्तियों में अलग अलग है तब भी आप ये ना समझे कि इसमें जो इसको फेशियल पैरालिसिस इस व्यक्ति को भी है और फेशियल पैरालिसिस उस व्यक्ति को भी है, तब भी वहां पर आपको ये नहीं समझना है कि दोनों व्यक्तियों में वायु के 3 ही गुण बढ़े होंगे। हो सकता है कि दूसरे में 4 गुण बढ़े हों। तब उन्होंने वहां पर ये डिनोट किया है और उन्होंने यहां पर ये संकेत देके चले गए कि इसकी जो वास्तविक प्रकृति है वो देखनी है। अगर वो प्रकृति उससे मिलती जुलती है और वो प्रकृति इन दोषों को मिलती जुलती है तो फिर एक में कोई दोष बड़ा होगा और दूसरे में कोई दो, मतलब कहना चाहिए एक वायु के ही कोई किसी में 3 होंगे, वायु के किसी में 4 भी हो सकते, दूसरे वाले में 4 भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई वातज प्रकृति का है तो उसमें अगर वायु के 4 गुण बढ़े हैं और हुआ है उसको फेशियल पैरालिसिस और दूसरा पेशेंट आ गया वो भी फेशियल पैरालिसिस का ही है, लेकिन उसकी प्रकृति पित्तज है, तो पित्तज जो प्रकृति है तो जो अग्नि है वहां, और अग्नि और वायु ये दोनों सहचरी होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं समान गुणों को प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं, और जब ये समान गुणों को मतलब एक दूसरे के साथ अगर चलेंगे कभी भी तो वायु और पित्त दोनों साथ चलेंगे, अग्नि और वायु ये दो महाभूत ऐसे होते हैं जो साथ चलते हैं और इससे उत्पन्न जो दोष होता है वो भी साथ चलता है। तो अगर वायु के 4 गुण बड़े हैं तो समझ लो पित्त के भी फिर 3-4 गुण बड़े होंगे, समान अवस्था में उसके बड़े होंगे, क्योंकि अगर वायु 3 गुणों को 4 गुणों को प्राप्त होगी तो पित्त भी फिर रुक्ष हो जाएगा और रुक्ष होकर फिर वो जो है वायु के रुक्ष गुण से और फिर उसमें जितने भी गुण होंगे ज्यादातर सब जो है वायु से संबंधित हो जाएंगे और वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, संसार कर जाएंगे। तो लक्षण उसमें एक जैसे मिलेंगे, इसमें भी एक जैसे मिलेंगे, लेकिन चिकित्सा में दोनों भिन्न हो जाएंगे।
वहां पर हमारे लिए केवल वायु की चिकित्सा करनी होगी, कफ उसके साथ में लगा होगा, और यहां पर दोनों पित्त है, वायु और पित्त दोनों की चिकित्सा साथ में करनी पड़ेगी। तब इस सिद्धांत को जब प्रतिपादित किया, अब समझने की जरूरत है, जब इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो उन्होंने दो शब्द छोड़ के रहे, और वो दो शब्द थे अनुबंध है और अनुबंध। इसको आप नोट कर लो। जब अनुबंध है और अनुबंध, जब ये दो शब्दों का उन्होंने जिक्र किया, चिकित्सा की पूरी किताब खुल गई। और चिकित्सा की जब पूरी किताब खुली तो किस श्लोक में किया वो आप लिख सकते हो। सुश्रुत सूत्र स्थान में श्लोक बहुत लंबा है, आप उसको लिख सकते हो। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 21 में 38वां श्लोक, और ड्रहल ने फिर इसकी व्याख्या की है। और जब इन्होंने व्याख्या की है तब कहा है कि दो दोषों का संसर्ग हो, अब यहां से समझने की जरूरत है, दो दोषों का संसर्ग हो। संसर्ग का मतलब, अब यहां पर दोबारा परिभाषा में आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अब यहां से हम बिल्कुल ही क्लियर करके चले कि भैया संसर्ग का मतलब बता दो पूरी तरह से क्या है। तो आप लिख लो किसी दोष के जब असंपूर्ण, असंपूर्ण का मतलब कुछ हो, असंपूर्ण लिख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है, असंपूर्ण गुणों की वृद्धि होती है और आपस में दूसरे दोष के असंपूर्ण गुणों की वृद्धि से, अब असंपूर्ण का मतलब अब यहां पर तीन भी दो मतलब गुण हो सकते हैं, वहां पर उसके दो भी हो सकते हैं, यहां तीन हो सकते हैं तो वहां उसके तीन भी हो सकते हैं, यहां तीन हो सकते हैं तो दूसरे के चार भी हो सकते हैं। संपूर्ण में कोई नहीं है, किसी के पूर्ण रूप से गुण सब सभी गुण एक साथ नहीं बने, और उनका अगर संसर्ग हो गया तब आपको जिस दोष के लक्षण पहले दिखे उसे अनुबंध है माने, अनुबंध का मतलब वो प्रधान दोष होता है, वो प्रधान दोष होता है, और दूसरा वाला जो है वो अप्रधान दोष होता है। और तब उन्होंने कहा कि ये जो चिकित्सा है ये आप प्रधान की कर दो, अप्रधान की चिकित्सा बाद में। बोले आप ये तो बताओ, जब उसके तीन बड़े पड़े हैं उसके चार हैं तो इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि प्रधान कौन सा है। तब उन्होंने कहा जो जिसके लक्षण दिखाना आपको दिखना शुरू करते, जो अपने लक्षणों को सबसे पहले दिखा दे वो आप प्रधान ही मानेंगे उसे, और उसी की चिकित्सा करेंगे। अनुबंध है, जो अनुबंध है उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे, अनुबंध है की चिकित्सा करेंगे, अर्थात प्रधान दोष की चिकित्सा। तो अनुबंध का मतलब प्रधान और अनुबंध का मतलब अप्रधान, क्योंकि अनुबंध की चिकित्सा करते करते जो अनुबंध दोष होता है, अप्रधान दोष जो होता है, उसके सभी गुण अपने आप तुरंत स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जैसा कि युग्म संयोग, बस युग्म संयोग जो हम चिकित्सा क्षेत्र मतलब चिकित्सा दिशा में जो हम 62 भेदों के रसों का वर्णन करे आए हैं, यदि उसी क्रम में आपने चिकित्सा की या मूल सिद्धांत के आधार पर चिकित्सा की, जैसे प्रधान दोष की चिकित्सा दो प्रकार से बताइए, एक तो चिकित्सा बताइए कि आप कहना चाहिए विलंघन चिकित्सा करें और दूसरी करें लंघन करें, यही तो चिकित्सा है। तब उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मण चिकित्सा करनी है तो किस दोष की करनी है, तो उन्होंने कहा जब ब्रह्मण चिकित्सा करें तो जहां पित्त दिखे वहां ब्रह्मण चिकित्सा करें, और जहां पर लंघन चिकित्सा आपको करनी है वहां पर जहां कफ दिखेगा वहां आप लंघन चिकित्सा करें। तो बोले जी वायु किधर जाएगी,
बोले जब वायु जाएगी तो वायु नानात्व रूप में चली जाएगी, अन्यथा वायु अगर पैदा करेगी तो इन दोनों से ही संबंधित रूप को पैदा करेगी। समझे सिद्धांत? समझे? यह सिद्धांत आपको समझने की जरूरत है। अगर वायु अकेले रोग पैदा करेगी तो नानात्म रोग पैदा करेगी, और इन दोनों के साथ में पैदा करेगी तो इन्हीं के लक्षणों को दिखाएगी। अगर उसमें पित्त प्रधान होगा तो वो पित्त के लक्षणों को पहले दिखाएगी, और अगर कफ प्रधान होगा तो कफ के लक्षणों को पहले दिखाएगी। वहां पर भले कफ के कारण बात छह हो रहा है, वो दिखाएगी लक्षण कफ के ही, गौरव आएगा, तंद्रा आएगा, ये सब आएगा, लेकिन वो कफ के लक्षण दिखाएगी। और आप चिकित्सा सीधे कफ की कर देना, वायु की चिकित्सा अपने आप हो जाएगी। तब वहां पर उन्होंने वो जो 62 युग्मों को, जो 62 जो युग्म दिए हैं उसको सामने ला के रखा। फिर उन्होंने कहा इसमें एक और भी है, वो जरा जो सिद्धांत है वो लिखें। इस स्थिति में संयुक्त हुए सभी दोष प्रधान भूत, परंतु रोग उत्पादक दोष के यद सभी भावों का जो रोग हुआ है, एक तो वह तीन हो गए, किसी के दो हो गए, किसी के ये हो गए, किसी के तीन बढ़ गए, किसी के चार बढ़ गए, किसी के दो बढ़ गए, इस हिसाब से है तो फिर वो इस हिसाब से चिकित्सा करेंगे। लेकिन अगर किसी दोष के सभी गुण बढ़ गए तो तब उन्होंने कहा कि अगर दूसरे दोष के भी सभी गुण बढ़े हुए हैं तब, और वो आपस में संसर्ग करके फिर तब क्या कहेंगे? तब कहते हैं ना, भगवान श्री राम कहते हैं, कहते हैं शिव भोले को, हे प्रभु, हे प्रभु, आपको प्रणाम। और भगवान शिव कहते हैं प्रभु श्री राम जी के लिए, हे प्रभु, आपको प्रणाम। दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तब उन्होंने कहा कि जो जो जब सब दोष आपस में, सब दोनों दोषों के या तीनों दोषों के जब सब गुण एक साथ में बढ़ जाए, तब वहां पर प्रधान और अप्रधान क्या हो? बोले वहां पर दोष एक दूसरे में प्रधानता ही है, मतलब वो उसके लिए प्रधान है और वो उसके लिए प्रधान है। वो कह रहे हैं प्रभु प्रणाम, तो भगवान शिव बोल रहे हैं प्रभु प्रणाम राम जी के लिए, राम जी कह रहे हैं भगवान शिव के लिए प्रणाम प्रभु। तब उन्होंने कहा कि एक दूसरे के लिए वो प्रधान है। एक दूसरे का मतलब समझ रहे हो ना? एक दूसरे का तात्पर्य कि वहां पर वायु कह रही है कफ के लिए कि प्रणाम आप प्रधान हो, और कफ कह रहा है वायु के लिए, बोले प्रणाम आप प्रधान। तो एक दूसरे के लिए वहां पर ये दोनों प्रधान होंगे, अर्थात तीनों एक दूसरे के प्रभाव उतरे जाएंगे। अब एक ट्राइंगल बना, और ट्राइंगल बना के फिर ट्राइंगल में देख तो एक दो तीन, ये तीनों लाइनें एक जैसी होती हैं। अब वहां पर ये क्या समान धर्मी है, सब एक दूसरे का क्या कर रहा है कि आपको समझ आ गया ना? ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे करके, ये ट्राइंगल ये बन गया, ये तो आप देख रहे हैं एक लाइन दो लाइन तीन लाइन। वो इस पर कह रहा है कि आप मेरे प्रभु, वो इसको कह रहा है कि नहीं आप मेरे प्रभु, वो दोनों कह रहे हैं कि आप ही हमारे प्रभु। इस तरह से ये जो दोस्त होते हैं एक दूसरे की बड़ी इज्जत के साथ रह के सभी गुणों को अपने साथ में बढ़ा के मिल गए आपस में, और एक दूसरे को प्रणाम किए पड़े हैं और शरीर का नाश करें। फिर इस स्थिति में फिर हम करें क्या? तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कहीं चीज मिल जाए आपको तो इस संयोग को क्या कहते हैं? सम समवाय नियम, सम समवाय के आधार पर ये जो दोष है, ये जो दोष सम समवाय आधार पर है, इसके आधार पर हम जो है उसकी चिकित्सा करेंगे। बोले सम समवाय आधार पर आपने चिकित्सा तो बता दी, लेकिन चिकित्सा सिद्धांत क्या है? तो उन्होंने कहा कि अगर वायु और पित्त दोनों साथ में है, या वायु और कफ दोनों साथ में है, तब जो है वायु और कफ, अब संसर्ग जो दोनों दोनों का तीनों का है, तीनों का है, तो जब तीनों का है तो उन्होंने कहा कि वायु पित्त और कफ ये तीनों साथ में है, तो चिकित्सा का सिद्धांत ये है कि पहले आप पित्त की चिकित्सा करें। लेकिन उसमें एक कारण उन्होंने कह दिया है कि तीनों जो दोष हैं वो तीनों दोष
आपस में समवाय कारण में हूं। अब समवाय कारण में कौन हो सकता है वो देखने की जरूरत है। मैंने पहले ही इस चीज को आपसे स्पष्ट कर दिया, कंफ्यूजन मत होना। समवाय कारण में वायु और अग्नि हमेशा साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के सहकारी हो सकते हैं। कफ कभी समवाय कारण में नहीं हो सकता, क्योंकि वायु के और पित्त के और कफ के, इनके सभी गुण आपस में कफ से विपरीत होते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो पित्त की विकृतिक अवस्था से प्राप्त होकर वो कफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर सामान्य रूप में देखें तो वायु पित्त और कफ, पित्त के और वायु के, इन दोनों के कर्म, उन दोनों के जो गुण होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, लेकिन कफ के जल्दी नहीं जुड़ सकते। तो उनका वो उसके समवाय कारण में नहीं आएगा। समवाय कारण में वायु और पित्त आएंगे। जब समवाय कारण में वायु और पित्त आएंगे तब चिकित्सा किसकी कराए? तब उन्होंने कहा कि पित्त की चिकित्सा करनी है, उस समय वायु की चिकित्सा मत कर बैठना। अर्थात जब दो दोष में दोनों दोष भारी हों, तृतीय जो हमारा अगर दोष वहां पर मौजूद है वो छेड़ अवस्था में होगा, वो होगा कफ हो, तब आप पित्त की चिकित्सा कर दें वहां पर। और पित्त की चिकित्सा करते करते फिर, क्योंकि पित्त की चिकित्सा क्या है ब्रह्मण, देखिए आप चिकित्सा का सिद्धांत देखिए, पित्त की चिकित्सा क्या है ब्रह्मण और वायु की चिकित्सा क्या है ब्रह्मण, और जो कफ की चिकित्सा क्या है, वो छीण अगर पड़ा हुआ है तो वो बढ़ जाएगा ना। देखो एक को बढ़ा दिया, दूसरे को घटा दिया और पित्त को साम अवस्था में दिया। समझिए ये वायु ये पित्त ये दोनों बढ़े हुए हैं, यहाँ पर ये कफ पड़ा हुआ है छीण अवस्था में, इन दोनों के मुकाबले हमने पित्त की चिकित्सा की, तो पित्त की चिकित्सा ब्रह्मण चिकित्सा, और ब्रह्मण चिकित्सा से जो वायु के दोष थे वो शांत कर दिए। इधर जो पित्त की वास्तविक चिकित्सा थी कि ब्रह्मण चिकित्सा से पित्त को शांत करना, उसको भी संभूत में लिया है, और ब्रह्मण चिकित्सा जब करी तो कफ बढ़ गया, यहाँ से उठ कैसे कर गया, और जब ये आ गया तो तीनों दोष जो है वो बिल्कुल एकदम साम्यवस्था की स्थिति में आ गए, रोग ठीक हो जाएगा। इसका एक उदाहरण दे देता हूं, आम बात में कभी दोष समवाय कारण में हो जाते हैं और कभी भी समवाय कारण होते हैं, तीनों दोष एक साथ में होते हैं। जरा हम आप देख लेंगे, रोग उत्पादक दोषों का संसर्ग दो रूपों में होता है। अब संसर्ग भी दो रूपों में अलग बता दिया, एक प्रकृति समसंवेद रूप में और एक विकृति समसंवेद रूप में। जो प्रकृति समसंवेद रूप में वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो वायु होती है और जो पित्त होता है वो प्रकृति समसंवेद होते हैं, अर्थात वो एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं। जरा देख भी लेते हैं इसको, हम बहुत आगे तक इसको विशद करते चले जा रहे हैं, इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब देखते हैं। इसको विशद करते हुए डलहर ने जब इसमें कहा कि सर्वे भावे, ये श्लोक जो है इसको जब स्पष्ट किया डलहर जी ने, अब इसकी व्याख्या की, तब उन्होंने कहा कि अब हम आपको बताते हैं, इतना तो आपने देख लिया ये ऊपर वाला, अब ये नीचे वाला बताते। वायु और पित्त संयुक्त हो और कोई रोग उत्पन्न किए हों तो ये दोनों दोष शोषणात्मक, जो इनका अपना गुण है शोषणात्मक, वायु संशोषण और पित्त संशोषण, ये जहां भी करेंगे वहां पर ये शोषण ही करेंगे, इन शोषणात्मक होने से ये तुल्य स्वभाव के हो जाते हैं, ये तुल्य स्वभाव के होते हैं, अतः इन्हें विकृति समसंवेद कहते हैं। अगर गुणों की चिकित्सा आपको करनी आती है और गुणों को आप अच्छी तरह से समझते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप केवल वायु और पित्त और कफ के अगर हिसाब से चिकित्सा करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको गुणों की और इसकी चिकित्सा अच्छी तरह से समझ में आई है तो फिर ये चीज आपके लिए फिर एक ऐसी हो गई कि मैं इनको रोज पढ़ता हूँ, रोज क्लिनिकल यूज करता हूँ, रोज मतलब कहना चाहिए इसमें मेरा जो क्लिनिकल पिक्चर होती है वो मेरी इसी पर डिपेंड है, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर गुणों की आपने जो चिकित्सा है या गुणों का जो आपका परिलक्षण है उसको अलग अलग करके नहीं देखा, उसको एक दूसरे को नहीं पहचाना, एक को नहीं पहचाना, जैसे वायु का रूक्ष गुण है लघु गुण है, इनको आपको पता ही नहीं है कि वायु रूक्ष और लघु गुण होगी कहाँ और कैसे, डिजीज को और कौन सी डिजीज मेरे सामने आई थी जिसमें रूक्ष गुण दिखा था, लघु ही गुण दिखा था, दोनों दिखे थे, तीन दिखे थे, अगर आपको उनकी चिकित्सा करके आपको ये करी है आपने तो ये सब चीज आपको समझ आ जाएगी, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, दूसरा क्या था,
वो वायु और पृथ्वी, यानी कि ये प्रकृति समसंवेद होते हैं, अर्थात दोनों शोषणात्मक दोष हैं हमारे और दोनों ही शोषण करते हैं। शोषण का मतलब समझ रहे, शोषण संशोषण का मतलब समझ रहे होंगे। अगर उसको आपको कोई दिक्कत हो रही है संशोषण को समझने में, आ जाओ हमारे एबीसी फाउंडेशन पर, फिर यहाँ वहां पर सब यही होता है, वहां पर सब इसी को ही समझाया जाता है और इसी को समझा के फिर जो है चिकित्सा के आगे कदम बढ़ाया जाता है कि यहाँ पर तीन दोष हैं, दो दोष हैं, यहाँ इतने हैं और यहाँ पर ये गुण इतने हैं, इतने गुण इसके बड़े हुए हैं, उसकी चिकित्सा इसके अनुसार होनी है। तब वहां ये प्रकृति समसंवेद का नियम है। अगर विकृति समसंवेद है तब वहां पर क्या होगा? परंतु रोग उत्पादन में पित्त और कफ, ये दोष दोष जो होते हैं, अगर ये संतुष्ट हो गई तो इनमें पहली चीज तो हम देखें कि पित्त उष्ण होता है और कफ होता है शीत। अगर उष्ण और शीत दोनों आपस में, अगर स्वभाव आपस में भी जो उनका विपरीत स्वभाव है और विपरीत स्वभाव से वो रोग उत्पत्ति कर रहे हैं, तब इसे कहते हैं विकृति विषम संवेद। बलवान कौन सा होगा ये समझने की जरूरत है। ये तो हमारी भाषा होगी और हम इसको समझ भी गए कि अग्नि और वायु ये दोनों शोषणात्मक दोष हैं और समतुल्य जो है वो इनके स्वभाव होते हैं, तो ये आपस में आराम से जुड़ जाते हैं और दोनों का ही शोषण कर्म है, तो बलवान कौन सा? यदि वायु और पित्त से संबंधित कोई भी रोग अगर वातज प्रकृति वाले को और पित्तज प्रकृति वाले को हो गया तो वो कृशांत हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के विपरीत अगर हमने चिकित्सा करनी है और दोष की चिकित्सा कर रहे हैं, तब वहां पर हमको ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर अप्रधान कौन सा है, क्योंकि वातज प्रकृति है तो जाहिर सी बात है उसमें वायु के लक्षण बहुत ज्यादा दिखेंगे, लेकिन पित्त साथ में लगा होगा। अब चिकित्सा करें किसकी? तब वहां पर हम प्रधान दोष उस समय मानेंगे कि अब वायु की चिकित्सा प्रधान दोष मान के तब हम इसकी चिकित्सा करें पित्त की। लेकिन वहां सिद्धांत यह है कि पहले पित्त की चिकित्सा करें, तो बिल्कुल सही है, अगर ये दोनों हैं तो पहले पित्त की चिकित्सा करें, ये भी ठीक है। लेकिन प्रकृति क्या कह रही है? जब उसकी नेचर अपनी ऐसी है, उसकी बॉडी की नेचर है कि वो बातल है, तो बातज होगी तो आपके दिमाग में आएगा कि उसमें बात के गुण बहुत ज्यादा बड़े होंगे, और जब उसमें बात के गुण बड़े होंगे और प्रकृति भी उसकी बातजी है, तो पित्त को क्या करें? तब भी आचार्य ने कहा ना, चिकित्सा विरंगड़ी करनी है और पित्त की करनी है। बोले क्यों? बोले वो विरंगड़ जो द्रव होते हैं बहुत बात सामग्री होते हैं, विरंगड़ द्रव जो होते हैं वो बात सामग्री होते हैं, इसलिए आपको चिकित्सा जो है वो पित्त की ही करें, वायु की चिकित्सा अपने साथ साथ हो जाएगी और उसकी प्रकृति का अनुरूप ही होगी। बोले ये कफज प्रकृति वाले में, तो बोले कफज प्रकृति वाले में तो आपको चिकित्सा फिर भी पित्त की करनी है। बोले जब पित्त की चिकित्सा करेंगे तब तो आपको ड्रग का सिलेक्शन करना अलग हो जाएगा, वहां पर आप सीधे सीधे पित्त को शांत करने के लिए जो उनकी सीक्वेंस है उसको चेंज कर देंगे। बोले क्या? बोले वहां पर जो पित्त की चिकित्सा फर्स्ट ऑफ चॉइस ऑफ ड्रग क्या है? तिक्त रस, मधुर और कसा है। और जब हम पहले वाले में चिकित्सा अगर मधुर रस से प्रारंभ कर दें जिसकी बाटल प्रकृति है, और तिक्त बाद में दे दें और फिर उसके बाद में कसाय दें, और यहां पर उल्टा कर दें, पहले वाले को तिक्त रस दे दें और उसके बाद में फिर उसे मधुर रस का सेवन कराएं कुछ हद अंश मात्रा में, फिर उसके बाद में कसाय का, ये दोनों रस जो बीच के होंगे मधुर और कसाय रस, इनको हम जो है थोड़ा बहुत कम करके कम करके कम करके इसकी चिकित्सा करें, उधर तिक्त रस को प्रधान रस में दे दें, और जब उसको प्रधान रस में दे देंगे तब जो है वो हमारा वायु भी शांत रहेगी वहां पर, और हमारा कफ भी जो है कफज प्रकृति वाले में कफ से संबंधित है, उसकी प्रकृति भी ठीक रहेगी और चिकित्सा पित्त की करनी है और आपका रोग ठीक हो जाए। विकृति भी समसंवेद, जब इन्होंने विकृति भी समसंवेद का नाम लिया तब उन्होंने कहा कि जो दोनों दोष होते हैं, पित्त उष्ण होता है और कफ जो शीत होता है, और इन दोषों का जो स्वभाव होता है वो वास्तविक विपरीत होता है, एक ठंडा एक गर्म सीधे सीधे, और जब जब ये दोनों एकदम विपरीत वाले आ गए तब फिर उन्होंने कहा कि अब जो रोग उनके द्वारा उत्पन्न हो
होगा वो विकृति संवेद के अनुसार होगा। मैंने नाम लिया था आपको अभी, और वो नाम लिया था रोमेटिक अर्थराइटिस का, आमवाद का। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे थे जिनको हमारे फाउंडेशन पे भी एक पेशेंट आया है, और हमारे पास वैसे क्लिनिकल पिक्चर में क्लिनिकल में हमारे पास आते ही हैं सोराइटिक अर्थराइटिस। क्या आफत है अलग से, सोराइसिस तो सुना था, अब ये सोराइटिक के साथ में अर्थराइटिस भी लग गया। तो उसमें जो मूल चिकित्सा होती है वो अंबाद की होती है, लेकिन जो दोष को ध्यान रखा जाता है तो वहां पर बात और कफ इन दोनों को ध्यान रखा जाता है, और उसमें जो पित्त होता है वो बीच बीच में अपने लक्षणों को भड़कता है। जैसे कोई अभी शांत बैठा हो और दो की पिटाई हो रही हो तो तीसरा भी भड़क जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर देखता है पिट गए ये, फिर बैठ जाता है चुपचाप करके। तो जो सोराइटिक की चिकित्सा, जो सोराइटिस रोमेटिक अर्थराइटिस में पित्त जो है वो कभी कभी अपने लक्षणों को दिखाता है, और लक्षणों को दिखाता है तो कहीं पर जलन हो गई किसी को, किसी को सोराइसिस में थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए हल्की सी जो है लालामी जैसी दिखाई पड़नी शुरू हो गई। किसकी चिकित्सा करते करते, आम बात की चिकित्सा करते करते। आम के बाद की चिकित्सा में हम सबसे पहले चिकित्सा वही कर रहे हैं, रूक्षण, उसका लंघन कर रहे हैं, उसका रूक्षण कर रहे हैं, और रूक्षण करके आम को या कफ को उसको शांत कर रहे हैं, उसकी बॉडी से सूजन हटा रहे हैं, उसकी जो पेन है वायु के द्वारा, जो आवरण के द्वारा, आम के आवरण के द्वारा उसको पाचन कर रहा है, जो ज्वर आ रहा है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। कि तब तक तो वो थोड़े थोड़े ज्वर के लक्षण दिखा रहा था, अब उसने क्या काम किया कि एक और मतलब कहना चाहिए विकृति को पैदा कर दिया उसने, कि अब उसने जो है वो विराजक पित्त में जाके अपने को बढ़ा दिया, और वहां पर सीधे सीधे बात कफ सोराइसिस, बात सोराइसिस कौन सी होती है, एकल कुष्ठ, वो बात कफज जो है उसमें मेन जो है दो दोष होते हैं वो बात कफज होते हैं, पित्त उसके संसर्ग में होता है। तो यहां पर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो चिकित्सा हमको आम बात की ही करनी है, और आमवाद की चिकित्सा करते करते पित्त को शांत करना। तो वहां पर पित्त को शांत करने वाले जो ड्रग है उनको कौन से ड्रग लें वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि मैंने वहां अपने एबीसी फाउंडेशन पे जो ट्रीटमेंट बताया है या बताते हैं, मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है उसमें करना क्या है, पित्त का कौन से, पित्त के आखिर ठीक करने के लिए हम कौन से ड्रगों का यूज कर सकते हैं, मधुर का यूज करें, तिक्त का यूज करें, या कसाई का यूज करें। तब वहां पर हम जो मधुर रस होते हैं जो सलस गुण वाले होते हैं, मधुर रस भी सलस गुण वाले होते हैं, चिकने होते हैं, और जो सलस गुण वाले होते हैं उनको पकड़ते हैं, और उनको जब लेते हैं तो उनको लेने के बाद उससे पित्त की शांति करी जाती है। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी ज्यादातर जो जो जैसे कपर्दक भस्म है, मुक्त सुक्ति भस्म है, सप्त गिलोय है, शतावरी है, या स्वर्णमाक्षी भस्म है, ये सब जितने भी लेते हैं जो पानी का अवशोषण करें। पानी का अवशोषण करने का मतलब कफ को हम वैसे भी करेंगे और कफ की हम शांति भी करेंगे, और जो पानी का अवशोषण करके पित्त को भी शांत रखेंगी। और आम पानी, आम एज लाइक टू जो हमारा जल, क्योंकि उसकी जो योनी है, आम की जो योनी है कफ की, वो है तो जली, तो जब वो जल है तो वहां पर जाकर उस महाभूत को सोख लेगा, और उधर जो है अम्ल पित्त की संप्राप्ति भी खत्म होती चली जाएगी, और उधर पित्त भी शांत होता चले जाएगा, और कफ जो है वो उसका शोषण भी करता चले जाएगा। हमारे लिए कफ से, कफ का मतलब कोई वहां पर के लिए जो लंघन की व्यवस्था है वो तो हम कर सकते हैं, उपवास सहित लंघन की व्यवस्था है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट ऐसे करके बैठा हुआ है बिल्कुल, और उसके हाथ पैर टेढ़े पड़े हैं, और सोराइसिस भी है उसको, और चार पैर भी लेटा हुआ है चौकने चित्त है, उस पर बैठ के पानी भी नहीं पिया जा रहा है, या उसे बैठा भी नहीं जा रहा है, उससे कहोगे 2 किलोमीटर जाओ आम का पाचन करो, नहीं कर सकते। आप उपवास सहित लंघन करा सकते हैं, तब वहां पर ऐसे ड्रग यूज करना है जो हमारे कर्म रूप में, एक कर्म सामान और एक द्रव सामान, ठीक है। तो कर्म विशेष के रूप में हमने लिया, कर्म विशेष वाले देखो, वैसे तो जो जितने महापृथ्वी जो जल महाभूत होते हैं वो कर्म गुण सामान्य होते हैं, लेकिन हमने कर्म विशेष लिया, और कर्म गुण सामान, कर्म सामान, फिर इसको उल्टे कर दो तो हमने कर्म विशेष किया। कर्म विशेष का मतलब द्रव तो हमने वो ही लिए जो पृथ्वी और जल महाभूत वाले थे,
लेकिन विशेष वाले ले लिए, अर्थात उसका छह ग्रह, कफ का छह ग्रह, कफ को बढ़ाने वाले भी, लेकिन कफ का छह भी करना है, शोषण करना है उसका, तो कर्म विशेष में आ गया। तो मधुर द्रव्य है, देखो सबके सब मधुरी है, ज्यादातर तिक्त तो मधुरी है, इनको हमने एक कौन मिश्रण बना दिया, शतावरी मुक्ता स्वर्णमाक्ष सत्य गिलो, ये सब लेके जो वो एक मधुर द्रव के रूप में, तिक्त द्रव्य रूप में लेके, और फिर वहां पर कर्म विशेष करवाया उनसे, और कर्म विशेष करने के बाद अमृत की संप्राप्ति का भंग हुई, और सोराटिक की हम जो है दूसरी मेडिसिन जो हम दे रहे हैं, सोराइसिस की जो हमारी चलती है, जो हमको पता है, उस तरह से हम उसकी चिकित्सा करते चले गए। उधर हमने आमवात की भी चिकित्सा अपने साथ में उसकी लगा दी। तो आमवात को सबसे पहले, तब आचार्य ने कहा कि ये जो है वो प्रकृति समसंवेत है, अर्थात ये प्रकृति समसंवेत एक दूसरे से आराम से आप उससे ठीक करना चाहोगे तो ये ठीक हो जाएंगे। और इसका एक बहुत बढ़िया मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको सोचने का समय दे रहा हूँ कि जो सोराइसिस होती है वो एकल कुष्ठ में आती है और वो साथ होती है। तो जब बुसात होती है तो हमें ऐसा कैसे मान लिया हमने कि ये तो ऑटोनोमिक डिजीज है, तो इसको हम जो ठीक नहीं कर सकते। अरे ऑटोमेटिक डिजीज का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो अपने आप ही चेंज हो रही है, तो हम गलती कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे के गुणों को बढ़ने दे रहे हैं, वो दूध यहाँ से हटा वहां जाकर चिपक गया, यहाँ से हटा उस वाले गुण से जाकर चिपक गया। तो हमको वो स्थिति पैदा नहीं करनी है कि आपके इस गुण को यहाँ तक शांत कर दिया, अब यहीं तक शांत रहना, पता लगे आप अब जो है वो मतलब कहना चाहिए दूसरे दोस्त के किसी गुण से दूसरे से हम उसको इतनी साम्यवस्था बैठा दी, इतनी उसको एक गुण को लेके इतनी साम्यवस्था बैठा ली कि उसको साम्यवस्था में तो लाए नहीं, उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया, और उसने क्या काम किया, उस गुण ने किसी दूसरे दोस्त के एक गुण से जाके संपर्क कर लिया, तब आप उस मरीज को ठीक नहीं कर सकते, ना वो मरीज ठीक हो सकता है और ना ही आप उसे ठीक कर सकते, क्योंकि आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी होगी, मेरी चिकित्सा है कठिन। आप लोग सब देख रहे हो एबीसी फाउंडेशन से संबंधित ज्यादातर हमारे वैद्य सब जुड़े हैं, फेसबुक पे भी देख रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा टफ तो पड़ ही जाता है, लेकिन क्या करें, अगर हम आपको वही स्थिति में लेके चलें कि केवल वायु और पित्त है, कफ है, तो वही परिस्थिति आ जाएगी, फिर इतना फिर मेहनत करने की ना तो फिर आपको जरूरत है ना हमको जरूरत है, क्या है वायु और पित्त और कफ है, बस खत्म, बात करते रहे, मरीज से कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होगा ना आपको, वो होगा ही नहीं, आप संशय में रहेंगे, और आप संशय में रहने का मतलब आप मरीज पर प्रेशर ही नहीं बना पाएंगे कि मेरे को इतना पैसा चाहिए और मैं इतने पैसे लेके आपको ठीक करूंगा, वो चीज आपके सामने नहीं आएगी। आप संशय में रहते हुए आप बस यही कहेंगे कि अगर ठीक है फायदा हो गया तो मिल जाएंगे, नहीं फायदा हो गया तो मरीज चला जाएगा, और मैं समझता हूँ वो चीज आज के जमाने में नहीं, अब नहीं है, और आने वाले समय में तो होगी ही नहीं, क्योंकि आने वाले समय में जो है वो फिर, क्योंकि आज मैं जानता हूँ कि आदमी अब कुछ नहीं तो पता तो पूछ के वैद्य का नाम तो पता कर रहा है, ये तो तय है, और वो स्थिति बहुत दूर नहीं है, मैं कह रहा हूँ 10-20 साल लगेंगे, लेकिन दिया लेके ढूंढेंगे जरूर आपको कि वो वैद्य वहां है, वहां चलो भाई वहां पर वो, उस समय आपकी कीमत पता चलेगी। इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कहीं बता दिया बरेली में एक वैद्य है बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, या मेरठ में या गाजियाबाद में वैद्य है और हम बढ़िया दवाई देते हैं, वहां चले गए। जैसे हमारे एक वैद्य हैं मसूरी में, कहा शिमला में बैठते हैं नाम है, तो वहां चले गए, हो जाता है, लेकिन कहाँ शिमला, शिमला से और अगर मैं अंतर देखूँ तो अगर उत्तर प्रदेश में जाऊँ तो लखनऊ तक कोई नहीं है, फिर तो क्यों, उनमें कुछ अपनी एक विशेषता होगी, इसलिए है, वरना यहाँ से लेकर हजार हो गए तो लखनऊ तक होंगे, शिमला से लेकर लखनऊ तक। तो वो स्थिति अब धीरे धीरे वो जो जो बीच का गैप है वो कम होता जाएगा, यदि आप लोगों ने मेहनत की तो। तब डढ़ल ने जब कहा कि ये जो विकृति विषम संवेत हैं इनको आप जरा ठीक से देख लो, अब हम आपको कुछ थोड़े से उदाहरण दे रहे हैं, उनको आपको ध्यान रखना। डढ़ल कहते हैं कि संहिता के उपयुक्त पद में जो आपको श्लोक बताया था सर्वे भाव विवर, संहिता के उपयुक्त पद में जो कतिपय हस्त लिखित जो हमारे सुश्रुत आचार्यों ने लिखी थी उनकी जो प्रतिलिपियां हैं, उन प्रतिलिपियों में जो भार भार वे शब्द है वो भार वे शब्द के स्थान पर भार्गे होना चाहिए था,
कहीं पर उसमें लिखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन वो इतनी धुंधली टाइप की हो गई थी कि बा को जो भार गे था वो बा समझ बैठ रहे हैं, और उस बा समझने में दिक्कत यहां हो रही है कि ये जो शब्द है भार गे, ये शब्द है, और इसकी फिर व्याख्या डरने की है कि हम इस शब्द को लेके व्याख्या करते हैं और तभी इसे पूरे श्लोक का अर्थ समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि रूक्ष, लघु, विशद और विशब्द, ये उन्होंने एक तो कर्म ले लिया वायु का और तीन गुण ले लिए। कौन से लिए? रूक्ष लिया, लघु लिया और विशद। सीधे उन्होंने विशद गुण को उठाया, फेन युक्त तो विशद गुण, जैसे साबुन होता है ना, उस साबुन में फोड़ने की क्षमता होती है, साबुन को घोल दो उसमें फेन हो गया ऊपर, तो वो धीरे 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 करके उसमें आपस में कोई चिकनाहट चुपकी चिपकाहट नहीं होती है, किसी को कोई जोड़ता नहीं है, वो क्या होता है अपनी कंसंट्रेशन से एक दूसरे जुड़े जुड़े होते हैं, जो उसके बुलबुले होते हैं, किसके? सर्फ के। सर्फ का मतलब समझो, सर्फ में सांप नहीं, मतलब जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसको जो हम घोल लें उसमें, और ऐसे करके बाल्टी में, और झाग भी हो जाते हैं ऊपर के लिए, वो फेन युक्त होता है, उसमें कोई चिपचिपाहट नहीं होती, कोई एक दूसरे को जोड़े हुए नहीं होता है, बल्कि वो होता है अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से वो एक दूसरे से भिड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को संभाले हुए होते हैं, लेकिन जब वायु उनमें प्रवेश पहले से कर चुकी है तो वो फूटते चले जाते हैं, और एक स्थिति में घंटे 3 घंटे के बाद आपको लगेगा जो हमने सर को बोला था वो पानी की तरह दिख रहा है, उसमें कोई बुलबुला नहीं है। तो विशद गुण का मतलब होता है वायु की वो गुण जो तोड़ फोड़ करते हैं, तोड़ फोड़ का मतलब एक धातु को दूसरे धातु से भी अलग करते, एक दोष को दूसरे दोष से अलग कर दे, और अगर चाहे तो एक अंग को दूसरे अंग से भी अलग कर दे, फेंक दे उसको बाहर निकाल के, उसमें तोड़ फोड़ कर दे, वो वायु का विशद गुण है। तब उन्होंने यहां पर उसको सुई को ले लिया, बोले मैं इसी को उठाता हूं सबसे पहले, तो उन्होंने ये रूक्ष, लघु और विशद, अब रूक्ष हो गया, लघु हो गया, बहुत लघु का मतलब छोटे छोटे से प्रदेश में जो है वो घुस गया अंदर जाके, सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे से, लघु होते, और लघु का मतलब बहुत हल्का हो गया, और रूक्ष हो गया, पर उसके बाद में जो तीसरा गुण है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा सूक्ष्म, उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने विशद गुण को कहा कि अब ये विशद गुण, और इससे जो उत्पन्न एक व्याधि ले ली थी, वो व्याधि बिल्कुल अलग है, विशद गुण से व्याधि नहीं होती, मतलब ये वाली जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं होती, बाकी तो होती है, डेंगू वगैरह सब उसी से होते हैं। विशब्द का मतलब ये बात के भाग है, उनका ये बात के भाग है, इनको हम छोड़ देते हैं, एक कर्म ले लिया, अब हम पित्त के देख लेते हैं। तीक्ष्ण और द्रव और पूति, ये तीन तो गुण ले लिए पित्त के, और फिर उसके जो नील पीत ये पित्त के भाग ले लिए, गुण उसके कर्म भी ले लिए, जो उसके कर्म है वो ले लिए, बोले क्या करेगा, बोले नील पित्त दिखता है ये वो ले लिए, कभी कोई नीला होता है कोई पीला होता है, ये पित्त का ले लिए। शीत, गुरु, पिच्छल, स्निग्ध, ये कफ के भाग ले लिए। अब जब ये ले लिए तब उन्होंने कहा कि रोग उत्पादक दोष के जिस भाग का जितनी मात्रा में प्रकोप हुआ है, रोग उत्पादक दोष के जिस भाग का जितनी मात्रा में प्रकोप हुआ है उसका उतनी मात्रा में विपरीत गुणों के, उतनी ही मात्रा में विपरीत गुणों का सेवन कराना चाहिए। अब हमने क्या काम किया कि वायु के बड़े हुए थे तीन गुण, बोले जी वायु का गुण बड़ा हुआ है, वो रूक्ष गुण बड़ा हुआ है, लघु गुण बड़ा हुआ है, बोले क्या दें, बोले दशमलव दे दो, एक अंक भी रस दे दो, या बनारस दे दो, बोले नहीं रसगुल्ला दे दो, बोले वो भी बहुत बढ़िया पित्त वायु शामक है, और बढ़िया है तो बोले कोई रस निकाल के दे दो, बोले वायु तो है, क्या दिक्कत है। और यहां क्या कह रहे हैं कि उतनी ही मात्रा में विपरीत गुणों का सेवन कर उसे साम्यावस्था में करना चाहिए, बलवान के साथ युद्ध करने के परिणाम स्वरूप। दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, सबका जो है वो आंसर भी साथ साथ देते चले जा रहा है। पहलवान होते हैं, पहलवान के साथ यानी कि बलवान के साथ युद्ध करने के परिणाम स्वरूप स्निग्ध गुण का क्षय होने से वायु के रूक्ष भाग की ही केवल वृद्धि होती है। लड़ बैठे आप देखते, बलवान के साथ आपसे ज्यादा ताकतवर है, अब लड़ बैठे उससे क्या करें,
मजबूरी फंस गई थी, चढ़ा दिया लोगों ने, उन्हें लड़ो 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 तो लड़ बैठे। उसने उठा के पटक दिया, बहुत तो अपनी ताकत लगाई, बहुत बहुत देर तक कोशिश करते रहे कि इसको पछाड़ दें, लेकिन कभी इधर को भागे कभी इधर को भागे, वो पकड़ के इधर को कर दे, वो पकड़ के ऐसे करके, ये हाथ कर इधर को कर दे, कभी बाल पकड़ के इधर को कर दिया करे, कभी ऐसे करके उधर को कर दिया करे। भलवान है वो तो, कुछ भी कर सकते। और लेकिन आप उसके विपरीत जो है उतना ही बल लगा रहे हो, और जब बल लगा रहे हैं तो आचार्य ने कहा कि उसके स्निग्ध गुण के विपरीत रूक्ष गुण की वृद्धि होती है। केवल रूक्ष गुण की वृद्धि अगर हुई हो तो उसे स्निग्ध भाव, यही तो कारण है कि जो क्या करते थे पहलवान, क्या करते थे कुश्ती लड़ने के बाद तेल की मालिश करते शरीर में। और आज भी आपने फिल्मों में या नाटकों में देखते रहते होगे इस चीज के लिए कि जहां पर ऐसी स्थिति आती है कि फिल्मों में देखते हो कि वो मालिश कर रहा है पहलवान, जो WW होता है वो क्या होता है उसमें आप देखते हैं, तो वो मालिश कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या क्या है कि अगर जो पहलवान होते हैं वो स्निग्धता अपनी रूक्षता को खत्म कर लिए, स्निग्धता से को प्राप्त करने के लिए मालिश वगैरह तेल अभ्यंग वगैरह करते हैं। कुछ दिन के बाद उनकी ये परिस्थिति छूट जाती है, समय के अनुसार 45-50 साल भी हो गए, अब नहीं कर सकते उसके लिए। तो उस स्थिति में आपने कभी अगर पे आपके पास पेशेंट आता हो तो उसका आपको विचार कर लेना चाहिए कि जो पेशेंट आपसे ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी नस नस में दर्द होता है, मेरी हड्डी हड्डी में दर्द होता है, डॉक्टर साहब आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया दर्द क्यों होता है, और आपने जितने भी टेस्ट कराए, आर इफेक्टर, एज, यूरिक एसिड, ये सो वो सब कुछ पूरी पिक्चर क्लियर सामने है, कोई MRI करा रहा है, कोई CT करा रहा है, कोई अल्ट्रासाउंड करा रहा है, उसके शरीर में जो नस नस में दर्द हो रहा है, नस नस का मतलब मसल टू मसल, टेंडन टू टेंडन, टेंडन टू, ये जितने भी हमारे जितनी भी संधियां होती हैं उन सभी संधियों में दर्द होता है, तब उसे संधिवात नहीं कहेंगे। और वहां क्या बढ़ जाता है, वहां पर सिर्फ एक ही चीज भूल जाते हैं कि आप ये तो बताओ करते क्या हो। बोले आपको तो कुछ नहीं करते, पहले पहलवानी कितनी पहलवानी करते थे ये तो बताओ, उस समय आप तेल की मालिश करते थे, फिर आपकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, और जब पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी तो उसका वो हेतु निकल के आता है सामने, जिसे आजकल की भाषा में हेतु बोलते हैं। हम उसको वास्तविक जो है वो आयुर्वेद में हेतु एक प्रकार का नहीं होता है, हेतु तो वो भी होता है जो मतलब कहना चाहिए जो वृद्ध दोषों को कम करने के लिए किया जाता है, वो भी हेतु में ही आता है। बड़ी गलत विडंबना है कि लोग कहते हैं कि हेतु का आप देखें कि इसका हेतु क्या है, तो मैं पूछता हूं कि अगर कफ बढ़ाने वाला हेतु खाया है तो वायु को बढ़ाने वाला हेतु दें या ना दें, या कफ को शांत करने वाला हेतु दें या ना दें, तीन चीज आपके सामने एक साथ रखी। हेतु का मतलब ये नहीं होता है कि जिससे रोग उत्पन्न हुआ है वही हेतु है ना, जिससे रोग शांत हो रहा है वो भी हेतु ही है। जब आप पदार्थ विज्ञान में जाएंगे, वायु केमिस्ट्री में, तब इस चीज को समझेंगे कि वहां पर हेतु को कितने शब्दों में वर्णन किया है आचार्यों ने। लेकिन चिकित्सा भेद में जब निदान में आते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है इसका हेतु देख लो, लेकिन जब हम उसकी समन चिकित्सा पे चले जाते हैं तो उसमें फिर हेतु होता है कि इसके हेतु के अनुसार उसके हेतु की चिकित्सा करो, अर्थात तो उसके विषम गुण की विषम गुण दोष है, और जब विषम गुण आप उसे देंगे तब उसका वास्तव में वो उसका हेतु हो गया जिस डिजीज को हम शांत कर रहे हैं। खैर वो बहुत अलग की बात है। शेष लघु, शीत और स्तंभ अगर ये गुण नहीं होते हैं तो जो युद्ध करने वाला होता है, जो मतलब कहना चाहिए जो लड़ाई करने वाला होता है, अर्थात जो आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, उनमें केवल वायु की जो रूक्ष गुण होता है वो उसकी वृद्धि होती है, और उसके अनुसार उसकी स्निग्धता से चिकित्सा करना चाहिए। यदि वायु के रूक्ष और शीत इन दोनों भागों का प्रकोप अपने स्वहित सेवन हुआ, वायु का रूक्ष और शीत इन दोनों का प्रयोग अपने रूक्ष अपने स्वहेतु स्वरूप हुआ हो। स्वहेतु स्वरूप होने से मतलब क्या है भाई, वायु कब के संसर्ग में नहीं आई तो शीत कैसे हुई? तो बोले जी शीत तो स्वभावता थी, तो पहले भी तो स्वभावता थी,
पहले भी तो स्वाभाविक रूप से ही सीत थी वो, लेकिन यहां पर सीत गुण लिखा है भाई साहब, अनुष्ण सीत ये ठीक है अलग बात है, लेकिन वहां पर सीत गुण लिखा है, और जब सीत गुण लिखा है तो स्व हेतु से क्या मतलब हो गया। बोले जी कब का संपूछ, हम तो नाम ही नहीं ले रहे हैं कब का, कि वायु संसर्ग में थोड़ी गया, कब कब के संसर्ग में आई नहीं, कब है ही नहीं वहां पर, कब तो साम्यवस्था में है, और वो अपने साम्यवस्था के अंदर सभी गुणों को सही रूप से संभाले हुआ है, तो फिर सीत कैसे हो गई। नंबर एक प्रश्न आपको होमवर्क दे रहा हूं इस चीज का, ये वैसे मैं अभी बता दूंगा, एक मिनट भी बता दूंगा, एक एग्जाम्पल है छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा कि शीतल जल की उत्पत्ति वायु कैसे करती है, और उसी के आधार पर उन्होंने शीत गुणों को यहां पर लिखा कि वायु स्वयं कारणों से शीत होती है, और स्वयं कारणों से शीत होकर तब वहां पर जब जल की उत्पत्ति में जाएंगे तब वहां पर शीतल जल आया है, कि वायु जब इन सब गुणों से युक्त होती है तब शीतल जल की उत्पत्ति होती है, और वो जल अनित होता है, नित्य जल नहीं होता। तो जो हमारे शरीर के अंदर जल होता है वो अनित्य जल होता है, नित्य जल तो कहीं और ही है हमारे शरीर में। एक होमवर्क दे रहा हूं इसको, अगले शुक्रवार को हम लोग जो है इसकी विवेचना सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूंगा, हालांकि मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मैं इसमें अपनी डायरी में लिख दे रहा हूँ कि यहाँ से ये आपका होमवर्क है, और इस होमवर्क को जो है आपको थोड़ा सा बताना है कि ये वायु कैसे जो है अपने स्वाभाविक कारणों से शीत कैसे होती है। आगे देखते हैं, उसका उपचार स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा उसकी आप जानते हैं कि वायु रूक्ष गुण भी है और वायु शीत भी होगी, तो रूक्ष गुण की चिकित्सा हो गई स्निग्ध चिकित्सा तेल वगैरह हो गई, और उसके शीत गुण की चिकित्सा हो गई उस उष्ण की, तो हम उसी को उसका मतलब ऐसे एक तेल से ही उसका काम कर दें, तो तेल को गर्म करके और फिर हम उसका अभ्यंग कर देंगे तो दोनों गुण वायु के शांत हो जाएंगे। लेकिन कफ से उत्पन्न शीत गुण, मैं आपको फिर हिंट दे दे रहा हूं, एक सोचने का मौका मिल रहा है आपके लिए कि कफ के योगवाही गुण से वायु यदि शीत गुण को प्राप्त हो रही है तो वो तेल के अभ्यंग से शांत हो जाएगी। नहीं होगी तब वहां पर कफ की चिकित्सा करनी पड़ेगी, आम की चिकित्सा करनी, कफ युक्त आम की चिकित्सा करनी पड़ेगी, कफ की चिकित्सा करनी पड़ेगी, तब वायु वहां पर योगवाहिता का नियम नहीं लगाएगी, अन्यथा आप उसे रोक नहीं सकते। और आप उसको शांत करने की कोशिश करोगे कि योगवाही मतलब वायु जो कफ से संबंधित है उसके शीत गुण को शांत करने के लिए उसकी चिकित्सा उसे दोगे तो वो शांत नहीं हो सकती उससे, तब वहां पर तेल का, कि यहां पर तेल का प्रयोग आपको करना है, बोले नहीं तेल का प्रयोग नहीं करना है, बोले क्यों, बोले यहाँ कब बढ़ जाएगा, घी का प्रयोग करना है, बोले नहीं घी से यहाँ पर थोड़ा पित्त मतलब तो ठीक हो गई होगा लेकिन यहाँ पर अग्निवान धोनी जैसी समस्या है, बोले कफ की फिर क्या, बोले रूक्षता करें, बोले रूक्ष जब कर रहे हो, रूक्ष शेर जब आप कर रहे हो तो फिर स्निग्धता कहाँ गई, फिर स्निग्धता तो रहेगी नहीं, तो वायु का रूक्ष गुण कैसे शांत होगा, तो बोले पहले वायु के रूक्ष गुण रहो किनारे, पहले इस वायु जो वायु हो रही है ये कफ के ये आम युक्त कफ या कफ के कारण जो योग वायु स्थिति को पैदा कर रही है शरीर के अंदर, स्तब्धता पैदा कर रही है, चकराहट लेके आ रही है, पहले इस कफ को शांत करो, उसके बाद में वायु और वो भी उष्ण है जो हमारा रूक्ष है वो भी उष्ण है, उससे वो शांत होती रहेगी, भले ही हम उसकी रूक्षता को भी बढ़ रही है बढ़ने दो, लेकिन फिलहाल इसका पाचन करो, आम का पाचन करो, तो आप लंघन भी करा रहे हैं, दीपन भी करा रहे हैं, पाचन भी करा रहे हैं, और उसको ऊपर से जो है फिर उसका रूक्षवेद भी कर रहा है, सब कर्म जितने भी हो रहे हैं वो हो तो उष्ण रहे हैं, जब उष्ण हो रहे हैं तो आपको पता है कि उष्णता से वायु शांत रहेगी, तो आपने देखी कितने बड़े हमारे जो साइंटिस्ट हैं हमारे जिन्हें हम सुपर साइंटिस्ट कहेंगे पूरी दुनिया के, उन्होंने कितनी बढ़िया जो है एक मतलब चीज चिकित्सा सिद्धांत स्थापित करके चले गए, बोले कुछ नहीं करना है वायु के केवल उष्णता से उसके गुणों को जितने भी गुण बढ़े हैं सब उसी से दबाते चले जाना, बाकी ये देखना कि ये विकृति समसंवेत है या विकृति विषम संवेत है, अगर ऐसा लग रहा है कि ये विकृति विषम संवेत है तो उस स्थिति में आपको चिकित्सा ऐसी देनी है, और समसंवेत है तो आप भ्रमण सीधे भ्रमण चिकित्सा कर देना, वायु उससे शांत हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि मैं एक चीज आपको और भी बोल के आया हूँ, अपने एबीसी फाउंडेशन को बोल के आया हूँ, वहां बताता हूँ कि वायु के रूक्ष गुणों को शांत करने के लिए, आप लोग इसे लिख सकते हैं जो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं,
वो ले सकते हैं, हमारे एबीसी फाउंडेशन से जुड़े ज्यादातर सभी वैद्य यहाँ पर हैं। मैं उन्हें तो खैर लिखवाता रहता हूँ, जिसके सब ये छूट गया है तो वो लिख भी सकते हैं। वायु के रूक्ष गुण को दो दोष, तीनों दोष आपस में बॉडी में किस तरह से, मैंने तो सिर्फ केवल एक ही बताया, बाकी मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, वो मैं आज आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि वायु के रूक्ष गुण को पित्त का कौन सा दोष और कफ का, वो पित्त का कौन सा गुण और कफ का कौन सा गुण इस उस गुण को बड़ा दबा के रखते हैं। तो पित्त का स्निग्ध और कफ का स्निग्ध गुण और पित्त का ईषत स्नेह गुण, इसको आप लिख सकते हैं, कफ का स्निग्ध गुण और पित्त का ईषत स्नेह गुण, ये दोनों गुण वायु के रूक्ष गुण को दबा के रखते हैं ताकि ये कहीं रूक्ष ना हो जाए। और इनमें से अगर एक की भी कल्पना खराब होती है, एक के भी गुणों की, अगर किसमें से, पित्त के और कफ के स्निग्ध गुण पर या पित्त के सा स्नेह गुण पर, इन पर अगर कहीं पर किसी भी आहार विहार ने, किसी दवाई ने, किसी उसके कर्म ने, मनुष्य के कर्म ने अगर कहीं प्रहार कर दिया और पित्त अगर रुक्षता को प्राप्त हो गया तो वायु का रुक्ष गुण बढ़ेगा और सीधे जाके संसार करेगा उससे। और ऐसे ही कफ, अगर कफ का स्निग्ध गुण खत्म कर दिया आपने, भार उसको भागवाना शुरू कर दिया, मार भागो दौड़ो ये करो वो करो, और इस खाने को बिल्कुल चिकना ही उसको दी नहीं, देसी घी बंद, आपका तेल बंद, आपका मक्खन बंद, आपका दूध बंद, सब बंद कर दिया और स्निग्धता उसकी खत्म हो गई, तब वहां पर जो कफ का स्निग्ध गुण था वो खत्म हुआ और कफ रूक्ष हो गया और वायु ने सीधे अपने रूक्ष गुण से उसे संपर्क कर लिया। इस तरह से दो दोषों के दो गुण वायु के एक गुण को दबा के रखते हैं। मजे की बात ये देखो, इतनी बलवान होती है, अगर इधर से उधर हो गए पत्ता हिला नहीं, मैंने पेड़ काटा नहीं, तुम इधर दो गुण इधर से दो में से एक हो जाए उसके बाद तो फिर काम शुरू कर दूंगी मैं अपना, और फिर वो रोग उत्पत्ति होती है। इसके सेवन के रूप में कुछ करना अगर ठहरता है, उष्ण और स्निग्ध दे दी हमने, उष्ण और स्निग्ध चिकित्सा दे दी, वायु का रुक्ष गुण और वायु का शीत गुण शांत हो गया, लेकिन हमको वहां पर सब तरह से सोचना है कि कफ के कारण तो नहीं, अपने स्व कारणों से है, और अपने जब स्व कारण से है तो उसको अगर हम कैसे शांत करेंगे, सबसे पहले तो उसकी उत्पत्ति समझेंगे कि शीत गुण अपने ही स्वतः कैसे, मतलब यानी वायु शीतता को प्राप्त हो गई, शीत को प्राप्त होती है, वो आपके लिए होमवर्क है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों का भी हम विचार अब हम कर लेंगे, और उसके बाद में फिर हम जितने भी बताएंगे आपको कि किस किस ग्रह से कितने कितने किस किस दोष के गुण बढ़ रहे हैं, वो मैंने 15-20 इसमें लिखे हैं, और स्वतंत्र और परतंत्र के हिसाब से, दोषों के बल के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपना जो वक्तव्य है वो यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, और आयुर्वेद बेसिक कल्चर फाउंडेशन के जूम इंटरेक्टिव सेशन में भी आपका स्वागत है, आप लोग वहाँ आइएगा 8:30। आपको अगर लगता है कि हमको जूम लिंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 9927573780 इस पर जो है आप मुझे संपर्क करें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है आपको इसमें लिख दे रहा हूँ, और उसमें फिर आपको जूम लिंक मिलेगा, और हमारे 8:30 सेशन होता है, 10 बजे तक चलता है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं, और वहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ की चिकित्सा होती है, इसी चीज को लेके हम आपस में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, और दोषों के गुणों के आधार पर चिकित्सा की जाती है, ना कि सिंबल केवल वायु ले ली तो वायु के पीछे पड़े हैं, बाकी किसी दोष की, उस किसी गुण की उसकी जिक्री नहीं कर रहे हैं, और फिर वो ऐसी चिकित्सा, हाँ थी पहले थी, लेकिन आज थोड़ा सा जो हमारा आज का सुंदर आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लोग जो है हमारे, मैं आप कुछ जुड़े हैं हमारे, धन्यवाद है फेसबुक पर, सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन जो दिखाई दे रहे हैं कमेंट्स में, प्रशांत बघेल जी प्रणाम सर आपको, वैद्य पद्माकर श्रीवास्तव प्रणाम सर, सुशील संगम जी प्रणाम, सगुमान जी प्रणाम, सुशीला आनंद आयुर्वेद आर्यालय, आनंद आयुर्वेदा आयल प्रणाम सर आपको, अजीत सिंह प्रणाम सर आपको, वैशाली जी प्रणाम, दूसरी वैशाली जी भी हैं,
उनको भी प्रणाम, डॉक्टर एस के राघव जी उनको प्रणाम मेरा, संगीता कुशवा जी प्रणाम, राजन यादव भी प्रणाम, हमारे पवन शर्मा जी प्रणाम, रजन यादव, प्रमोद मिश्रा जी प्रणाम, विकास अवस्थी जी प्रणाम, गुरप्रीत कौर है प्रणाम, रवि आर्या जी, आर्य इंडिया नाम से हमारा एक फाउंडेशन चल रहा है गुजरात के अंदर, प्रणाम, प्रियंका मानी जी प्रणाम, मनदीप कौर जी प्रणाम, निगम सुरती जी, बहन जी बोल छोटी बहन जी हमारी देख रही हैं, प्रणाम आपको, प्रोमो गुप्ता जी प्रणाम, शुभा मिश्रा जी प्रणाम, दिलीप सोलंकी जी प्रणाम, नवजोत कहलून डॉक्टर साहब हैं प्रणाम, प्रियंका जी प्रणाम, अरुण कटारिया जी दिल्ली से हमारे प्रणाम, गार्गी भारद्वाज प्रणाम डॉक्टर साहब, हिमांशु वना जी हमारे रामपुर से हैं प्रणाम, प्रियंका राजपूत जी आपको भी प्रणाम, सोनाली जी यूएसए से हैं उनको प्रणाम, प्रशांत वगेल जी प्रणाम, प्रमोद मिश्रा जी प्रणाम, और हमारे कई वैद्य जुड़े हैं जो फेसबुक पे, मीरल गुप्ता जी प्रणाम। तो आप सभी से मैं निवेदन ये करता हूँ कि आप शुक्रवार का सेशन जरूर अटेंड किया आपने, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में जो हम पिछले एक साल से अपने एबीसी फाउंडेशन पर करते चले आ रहे थे, 8 महीने तक हमने वो किया था, अब इसके बाद फिर हम दोषों के जो गुणों की चिकित्सा है या दोष से संबंधित जो है वो वहाँ पर फिर शुरू कर रहे हैं उसके लिए, कि किस तरह से जो है, क्योंकि जब तक दोषों की हम गुणों को अच्छी तरह से ना जान के उनकी चिकित्सा नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम एक सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा और भी होती है वो हम नहीं कर पाएंगे, और उसमें हाथ पैर मारने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपको दोषों के गुणों की चिकित्सा नहीं आएगी, उसको नहीं समझेंगे, उसको हम क्लिनिकल पिक्चर में नहीं उतारेंगे, तब तक जो सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा है वो हमारी, ये गुणों की चिकित्सा सुपर उत्कृष्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक सामान्य चिकित्सा जो हमारे आचार्य ने बताई है वो है, और हम उसकी सामान्य चिकित्सा से नीचे की जो चिकित्सा समझते हैं वो सिर्फ केवल वात पित्त कफ की चिकित्सा करना, एक कोई नहीं, वो तो हमारे घर में भी हमारे गुजर कर लेते हैं, इसको कब बन गया है, जरा थोड़ा सा नमक दे दियो, काली मिर्च और ये सब पीस पास के उसको जो है, जितने भी हमारे घर के अंदर जो औषधियां हैं, जो किचन में हमारी औषधियां, वो पीस के हमारे बुजुर्ग दे देते थे कफ को देख के, तो वो भी तो दोष की चिकित्सा कर दिया, वो जानते थे ये कफ दोष, वो कुछ नहीं जानते थे, ये जानते थे कि कफ है, इसको ऐसे कर कर दो हो जाता, तो वही चिकित्सा हम आज भी कर रहे हैं। बोले जी क्या, बोले बात, बोले जी क्या, बोले पित्त, बोले जी क्या कफ, हटके नहीं आप। और जो हमारे आचार्यों ने जो हमारे लिए चिकित्सा लिखी, उन्होंने कहा आप यहाँ तक पहुंच जाओ, गुणों के दोष के आधार पर चिकित्सा जो चरकता लिखी गई है यहां तक मैं लिख दे रहा हूं, आप यहां तक कर लेना। सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा को जाने के लिए जब कोई आपको लगे कि हाँ मेरे को अब सुपर स्पेशलिस्ट में जाना है, तब आप सीधे वहां पहुंचे हैं तो उसका इंडिकेशन भी दे के चले आए हैं कि पंच महाभूत चिकित्सा होती है, उसको सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा में आप लेंगे। और तब भी उन्होंने उसको खोल के नहीं रखा, उन्होंने कहा आपकी इच्छा हो तो करना, लेकिन आप गुणों के आधार पर अगर गुणों के आधार पर अगर चिकित्सा कर दी तो जो हमारे शास्त्र जिस प्रकार से हमने लिखे हैं उनको एक हमारे लिए फलश्रुति मिल जाएगी, और हमारा जो परिकल्पना है कि हमारे शास्त्र का पूर्ण रूप से समाज में उपयोग होगा वो हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो हमने आपको 2-3 ग्रंथ ऐसे दे रखे हैं जो आप अच्छी तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं, और उसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं होगा कि जंगल में जाके साधना करनी पड़ेगी, आप इन्हीं गुणों से निकालेंगे और इन्हीं गुणों से पंचभौतिक को अपने ऊपर सीधे सिद्धांत को प्रस्तुत करके और उसको आगे ले जाएंगे, और छोटे से छोटे जिनके पास कम साधन होगा वो भी अपना मतलब कहना चाहिए एक पंचभौतिक चिकित्सा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनके पास बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा तभी वो पंचकर्म चिकित्सा के लिए करेंगे या वो सीखेंगे या वो लिखेंगे या वो समझेंगे, उसके लिए जरूरी है कि आपको गुणों की चिकित्सा आनी चाहिए, हर गुण के बारे में पता होना चाहिए। अब वो आप मानिए, एक बार मैं फिर अपने जो फेसबुक पे हालांकि ज्यादातर लोग जो है वो मतलब कहना चाहिए हैं, फिर एक बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग गुणों की चिकित्सा पर ध्यान दें, उसको समझने की कोशिश करें, तभी जो है हमारे वेद को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ मैं सभी का नमस्कार करते हुए कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद।